दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज बादल बादल लग रहा है, लग रहा है आज पानी बरसेगा। देखो बरसता है कि नहीं, क्योंकि दो दो दिन हो गए बरसा नहीं है, तो हो सकता है आज की लगन भी है तो रात में ना बरसे, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है शादियों में। खाना की बहुत बर्बादी हो जाती है, कीड़े गिरते हैं, पखनी गिरती हैं, खाना बहुत बर्बाद होता है। देखिए कितना सारा फैलाया डाले हुए, पेन पेंसिल ब्रश स्केल कापी किताबें सब फैलाए पड़ा हुआ है। सुबह समेट के रख दो, दोपहर में पड़ेगा तो फैला देगा, दोपहर में रख दो शाम को पड़ेगा तो फैला देगा। यही करता ही नहीं, पढ़ाई के बाद तुरंत सब उठा के रख दे, सब वहीं पड़ा रहता। तो दोस्तों ये मैं बाद में उठा के रखूँगी, पहले जा रही हूँ मैं सब्जी बनाने। किस चीज़ की सब्जी बनाऊँगी? प्याज की। तो मैंने प्याज और लाल मिर्च पीस लिया है, तो प्याज की चटनी छौंकूंगी। आज हम लोग प्याज की चटनी छौंक के खाएंगे। तो रोटी मेरी बन चुकी है, अब जा रही हूँ प्याज की चटनी छौंक के दे रही हूँ, क्योंकि साहिल कह रहा था मम्मी कुछ ना बनाना, प्याज की चटनी बनाना, कुछ दिन हो गए बनाया नहीं। तो मैं कहा ठीक है, प्याज की चटनी मुझे भी बहुत पसंद है, पसंद हम सबको है। आज बिट्टू के पापा गए शादी में, तो आज सब्जी कुछ नहीं बनाएंगे, प्याज की चटनी बनाएंगे। और रोटी मैंने बना ली है। तुम क्या कर रहे हो? दरवाज़ा बंद किए। साल ने नहा लिया है, अब साल पढ़ाई करेगा और मैं अपना काम करूँगी। जो भी काम बचा है वो तो काम निपटाएगा अपना पूरा। ये तो पागल कहीं का। नहा लिया साहिल, नहा चुका और अब जाएगा पढ़ाई करने, और मैं जा रही हूँ प्याज की चटनी बना लूँ। साहिल चाय के साथ में पराठा खा चुका है, इसका नाश्ता हो गया। क्या कर रहा है? अरे क्रीम लगा रहा हूँ। क्रीम? परफ्यूम। कौन वाला परफ्यूम? मुँह पे? पागल, उस पर आए भी नहीं है तभी ये तुम मुँह पे। अरे देखो है। नहीं। दोस्तों साल नहा चुका है और क्या कर रहा है? परफ्यूम लगा रहा हूँ। उसमें नहीं है परफ्यूम, खाली है, पड़ी हुई है। चलो ठीक है, लगा लो। अब तुम जाओ पढ़ाई करो, अब मैं जा रही हूँ प्याज की चटनी छोड़ के दे रही हूँ। ठीक, अब साल पढ़ाई करेगा और मैं अपना काम करूँगी। वो नहीं लगाना काजल, तुम्हें डॉक्टर मना किया था ना काजल लगाना, वो बाजार का है, वो और दिक्कत ना हो जाए। अरे डॉक्टर, अब मेरी आँख सही हो गई। कितनी खराब आँख लग रही है, खराब। चलो तौलिया ले लो, तौलिया को टांग दो। दोस्तों अब जाएगा दोस्तों मेरी प्याज की चटनी पक चुकी है, अब इसको निकाल के रखे दे रहे हैं। रोटी भी बन चुकी मेरी, और साहिल ने नाश्ता कर लिया था, चाय और भुकनू पराठा। और अब मैं जा रही हूँ बाहर का काम शुरू करूँगी, सब्जी निकाल के रख दूँ प्याज की, और फिर किचन साफ कर लूँ। जब तक मेरा पानी और भरा जा रहा है, क्योंकि पानी लेट आया है तो पानी भी नहीं था ज़्यादा, इसलिए मैंने किचन का पहले काम किया कि पानी भर जाए, फिर झाड़ू पोछा करूँगी। तो निकाल लेती हूँ चटनी अपनी डोंगे में, और साहिल गया पढ़ाई करने, वो अपना काम करता रहेगा, मैं अपना काम करूं। रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, मेरा दिल भी चुराया है, जिस लड़के पे दिल आया है उसने मुझे सताया है,
जिस लड़के पे दिल आया है उसने मुझे सताया है। अरे टूट जाएंगे, तुम कहाँ से आ गए? मुझे नाचने को मन कर रहा था। उठा कहीं उठा रहा है, मेरे को उठा भी पाएगा? उठा कर लिया, उठा के गोल गोल घुमा लिया लेकिन हाफ गए ना, पसीना छूट है। मैं अपना अपने आप से गुनगुना रही थी कि गाँव गाना मेरे को मन किया और तुम आ गए बीच में, ऐसे ना उठाया करो, पता चले मेरे भी हाथ पैर तोड़ो और खुद की भी तोड़ दो। मैं तो थोड़ा बच्चा हूँ। दोस्तों हम लोगों की मस्ती कैसी लगी, मेरा गाना कैसा लगा कमेंट करके बताना। अब जा रही मैं अपना काम शुरू करूंगी, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। काम से खाली हो चुकी हूँ और नहा भी लिया मैंने, नहा के फुर्सत हो गई, आज कपड़े भी धुले हैं मैंने, तो सारा काम हो चुका है। अब जा रहे हैं खाना खाएंगे मैं और साहिल। तो सबसे पहले साहिल पढ़ रहा है, तो उसके पास जाऊंगी, पूछूंगी कि खाना अभी खाएं कि थोड़ी देर में खाएंगे, कितना काम बचा है तुम्हारा, कितना कर लिया है, तो जैसा बताएगा वैसे खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह उसने चाय के साथ पराठा खा लिया था, तो देखती हूँ शायद देर में खाए, तो फिर वैसे खाएंगे खाना। और बादल इतनी तेज़ चढ़ा है, बूंदी भी पड़ रही हैं, अभी तक तो इतनी तेज़ चढ़ता रहा है बादल की ऐसा लगता था कि बिल्कुल बरसने वाला है, बिल्कुल काला, और धूप निकल आती थी, अब तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है और बूंदी भी पड़ रही है। आज शादी बहुत है और पानी बरस जाएगा तो खाना तो पूरा बर्बाद जाए, क्योंकि कीड़े इतने गिरते हैं और पखनी की खाना पूरा बर्बाद हो जाता है। देखो ऊपर वाला क्या करेगा क्या नहीं, तो देखते हैं साहिल क्या कर रहा है। तो वैसे फिर हम लोग खाना, साहिल बन गई, साहिल कितनी बची? बन गई बस दो मिल गया था तो दो बना ली और दो मिली मेरी भैया से, शाम को फोन करके पूछूंगा। दो नहीं मिल रही, दो बन गई पूरी? चलो कोई बात नहीं, शाम की भैया से पूछ के कर लेना। चलो खाना खाए, खाना खा के फिर चाट बनाऊंगा। अच्छा चाट का काम करना है ना, चलो खाना खा लेते हैं। ये कहाँ से ला के बुढ़ैल रखे, बुढ़ैल ले आए थे ऊपर से? ये पता नहीं कौन सी वैरायटी का है, उसकी वैरायटी नहीं समझ में आती है, मेरे को खुद ही नहीं समझ में आता कौन सी वैरायटी का है। तो दोस्तों हम लोग खाना खा लेते हैं, मिलते हैं खाना खाने के बाद। चलो खाते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। आप लोग भी खाना खाओ, जो भी बनाओ, पनीर की सब्जी, शाही पनीर, मखनी पनीर, दाल पनीर, हम लोग तो खाएंगे चटनी पनीर प्याज की चटनी पनीर ना आप लोग खाइए कि अच्छा अच्छा हम खा लेंगे अपन चटनी पनीर है ना, सूखा प्याज, प्याज 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 पनीर ना। दोस्तों यहाँ पर साहिल खाना खाना शुरू कर दिया, खाने में क्या है, दही है, हमने शाम के दही जमाया था, और प्याज की चटनी की सब्जी है, रोटी है, और यहाँ पर आम है। मेरे में दही में शक्कर तो नहीं डाला है, अपने में डालना, मेरे में ना डालना, मुझे नहीं शक्कर डाली अच्छी लगती है ना दही। मिलते हैं खाना खाने के बाद। बाय बाय। यहाँ पे हमारी प्यारी सी रानी अपने हाथ से खाना निकालते हुए, अपने हाथ से कितना सारा दाना निकाल के कटोरी की डाल लेती है। तो दोस्तों अभी सो के आई है, थोड़ी खाना खा रही है, हम लोगों ने खाना खा लिया है और बारिश भी शुरू हो गई है, बरस रहा है, झिमिर 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 झिमिर, तेज वाला नहीं बरस रहा है तो भी झिमिर झिमिर वाला बरस रहा है। देखिए पूरे आंगन पानी 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 बरस रहा है, आज 1 बजे से बारिश शुरू हो गई है। क्या कर रहा है साहिल, गाना गाओ देखना। सबों से दुनिया वाले चौहे दिखता ढोले वाले सबसे आगे होंगे, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी चौहे दिखता ढोले वाले सबसे आगे होंगे, हिंदुस्तानी दोस्त। सबों से दुनिया वाले चौहे दिखता ढोले वाले सबसे आगे होंगे, हिंदुस्तानी।
चिल्ला रहा है, उसको लग रहा है कि पता नहीं है क्यों पागल हो गया, क्यों चिल्ला रहा है। इसको सलामी पागल, अब चिल्लाना नहीं, देखो कैसे चिल्ला रही है, उसको लग रहा है कि क्यों इतनी तेजी तेजी से चिल्ला रही है। चलो बंद हो गया, पानी बंद हो गया है, अब जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि दो दिन तीन हो गए पानी नहीं बरसा, हवा चलती रही है, तो जा रही हूँ देखूँ कचरा होगा तो साफ करे दे रही हूँ, रात में ना बरसे पानी, पता चले जालियों में आ जाए कचरा और भर जाए पूरी छत, तो जा रही हूँ साफ कर दूँ। पानी बंद हो गया है, बंद हो गया। इतना हवा में कचरा उड़ गया है, हवा चली है तो रोटी इकट्ठा हो गया है, साफ ना करेंगे पूरा जाली पे पानी के साथ बैठ लग जाएगा जाली में, पानी नहीं बैठता पूरी नाली छिप जाती है कचरे से। हो गई साफ? हाँ हाँ साफ कर लेंगे। ये कैसी बैठी है? नीचे की ऊपर आ गए हम। हाँ एरोप्लेन की आवाज आ रही, दिख नहीं रहा बादल है। एक तो मम्मी टावर की पता नहीं, मम्मी ये टावर के इतने नीचे एक एरोप्लेन निकला था, रोज निकलती है, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। देखो पापा सारी वो जितने की डारे सब तोड़ के फेंक दिया, कितने अच्छे से हो रहे हैं। सब तोड़ दिए पापा, सब सही से हो गए। सारी पत्ती सूख रही थी ना, का फायदा लंबी लंबी डार रही थी, पत्ती सब सूख जा रही थी। पापा कह रहे थे इसकी डाली लंबी नहीं की जाती, तोड़ दी जाती है। जितने पीले पत्ते हैं ना सब हवा में तोड़े जाते हैं, छत में हो जाते हैं। दोस्तों ऊपर से आने के बाद मैं थोड़ी सो गई थी, सो के उठी हूँ तो बहुत तेज पानी बरस रहा था, पानी बरस रहा था तो बैठी रही हूँ। फिर मैंने चाय चढ़ाया है और मैक्रोनी उबलने को रखा है और रानी के लिए खाना बनाया है, उसको खाना बना के दिया है और अब मैक्रोनी बना रही हूँ। लगी हुई थी बहुत तेजी से धूप, मैं पुलाव चाय बना लूँ चाय के साथ खाने के लिए, मैं तो ही बनाए ले रही हूँ थोड़ी से, क्योंकि बारिश सब बंद हो गई है, बहुत बरसा है पानी। मिर्ची ज़्यादा ना डालना, पड़ूँ क्या? हाँ क्योंकि मैंने एक मिर्चा खाया तो बहुत कड़ू था, आधा भी काट के रख दिया। ज़्यादा नहीं डाला था, कड़ू बनी हुई थी मेरी मैक्रोनी, खा के ना जनजना आ गए, बहुत कड़ू लगी हुई थी। शायद सच में तुम ठीक कह रहे थे कि मम्मी बहुत कड़ू में अच्छा है, माना करो और कम डालना, तो मैंने दो ही दो तो भी तो मैंने दो डाला था, लाल मिर्ची ज्यादा कर दी।
लाल मिर्ची मैंने कहाँ डाला है, लाल मिर्ची नहीं डाला है, दो ही हरी मिर्ची डाला है। पता चला मैगी मसाला, पता नहीं चाहे उसकी वजह से कड़ी हो, लेकिन बहुत कड़ू बनी थी। तो दोस्तों ने चाय भी पी लिया, मैक्रोनी भी खा लिया, और साहिल जा रहा है दूध लेने, मैं जा रही हूँ बर्तन साफ करूँगी। तो वीडियो भी यहीं पे एंड कर रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।